हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं अपने घर के नियरेस्ट मॉल जिसका नाम है फिनिक्स सिटी। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी है, संदीप भी रेडी है, अब सब जाने का तैयारी कर रहा। मिलते हैं जस्ट बाहर आपसे। मैं बैग भूल रही थी अपना। टन 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 टन। हाय ज्योति। हाय। हाय मम्मी। हाय संदीप। हेलो। ये लो माइक लगाओ, इसका माइक खुल गया। ज्योति बोल रही थी कि ऑफिस साथ में होते हुए जाएंगे, बट मेरे को लग रहा है कि ज्योति को रास्ते में उतरना पड़ेगा, मॉल नहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग विल डिसाइड। और बहुत हड़बड़ी में हम जा रहे हैं क्योंकि संदीप मीटिंग में फंस गया था और इसके चलते हमेशा देर हो जाता है। आज ज्योति कैजुअल ड्रेस पहन के जा रही है, इसके ऑफिस वाले बहुत खुश होंगे ना। हाँ, कि कशिश कैजुअल ड्रेस में भी दिखती है। वैसा हमारा प्लान था कि एनी हाउ आज हम 3 बजे मॉल के लिए निकल जाएंगे, बट संदीप थोड़ा सा मीटिंग में फंस गया, जिसकी वजह से अभी हम जा रहे हैं शाम के 5 बजे। और चलिए आप लोगों को भी दिखाते प्यार सा फिनिक्स मॉल। वो छोटा सा मैं बोलने वाली थी, पर वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है। घूमते घूमते थक जाते हैं हम लोग फिनिक्स मॉल प्रॉपर। और अभी तक मैं 2 बार जा चुकी हूँ, पर मुझे अभी तक मैप समझ में नहीं आता फिनिक्स मॉल का, कि एंट्रेंस लेने के बाद कहाँ कहाँ जाना है। संदीप साथ में रहता है तो मैप में थोड़ा हेल्प होता है, एंड देन उसके बाद ढूंढते हैं कि हाँ पर्टिकुलर शॉप में जाना है। बट संदीप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा, तो आज भी ऐसा होने वाला है कि अपने फ्रेंड के साथ कैफ़े जा रहा है और मैं और मम्मी सिर्फ मॉल एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम और मम्मी मिल के आज मॉल का मैप समझेंगे और देखते कितना भटकते हैं। हेलो। बहुत टाइम बाद मैं दिखी हूँ। नहीं बहुत टाइम नहीं, तब से तो कैमरा मेरे। ज्योति क्या कर रहे, रास्ते में उतार दे कि मॉल साथ लेकर चले। अभी 5 बज रहे हैं। हाँ तो मैं देखती हूँ पहले ऑफिस के गली तक पहुँच के क्या टाइम क्या था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी उतरना है कि आगे बढ़ना है। अच्छा। हाँ। ये देखो सीट बेल्ट अलार्म आने लग गया, मैंने नहीं लगाया, अलाउ करो। अच्छा क्यों? ये हमेशा वागोली सिग्नल में फंसने का ना सिलसिला बहुत पुराना होते जा रहा है, हर बार यहीं पर आकर अटक जाता गाड़ी। एक वागोली के पास और एक थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स खड़ाड़ी फिनिक्स मॉल के पास भी। अभी अच्छे टाइम पे सिग्नल निकल गया, जैसे मैंने बोला वैसे गाड़ी चलना शुरू कर, लगता पहले ही ब्लॉक करना शुरू कर देना था, बताना शुरू कर देना चाहिए कि ट्रैफिक है। ये हम लोग पहुँच गए फिनिक्स मॉल। तो फाइनली ट्रैफिक का सामना करते करते हम पहुंच गए फिनिक्स मॉल और मम्मी और ज्योति जा चुकी है अंदर। ज्योति कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, बहुत टाइम बाद आ रहे इस यहाँ से। तो हम लोग एंट्री पहली बार ले रहे हैं ना इस मॉल में, मतलब पीछे वाले एग्जिट से गए, पार्किंग से अंदर डायरेक्ट। ओह ज्योति अब देख देख के परेशान हो रही है, कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि है ही इतना बड़ा ये फिनिक्स मॉल। जहाँ से यहाँ वेस्ट साइड है, फिर घूमते घूमते तो अभी पूरा टाइम लग जाएगा अपने को जाना का है। परेशान हो गई सामान लेने में, अब सोच रही ज्योति क्या क्या लेना। ऐसे तो ज्योति को मोस्टली फॉर्मल्स ही लेना है, एंड ज्योति इनकी ये H&M में फॉर्मल पैंट्स ही प्रेफर करती है ऑफिस के लिए। मम्मी भी देख रही है क्या लेगी। मेरा तो कुछ पता ही नहीं रहता, मेरे को मेरा ऐसा है कि अचानक से अगर देख ली कि मैनी क्वीन पहनी हुई है या फिर डमी को कुछ ऐसा ड्रेस पहनाया जो मुझे पसंद आ गया, तब तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ लेने के लिए। हाँ ज्योति ने 3-4 कपड़ा तो उठा लिया है, अब देखते हैं कौन कौन सा ट्रायल करती है, बट ट्रायल रूम का भीड़ देख कर ऐसा ना हो कि वापस होना पड़ जाए। आई थिंक फ्राइडे और जो वीक डेज में आना है ना यहाँ पर, वो परफेक्ट टाइम है आने के लिए। आज इतना खाली है H&M, मतलब प्रॉपर तुम आराम से शॉपिंग कर सकते हो, और सब दिन में शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सैटरडे संडे तो इतना ऑक्यूपाइड रहता है सारे ब्रांड्स H&M और जितने भी ओवरऑल हैं, बट आज इतना फ्रीली शॉपिंग कर रही ज्योति घूम घूम कर। होप्स हो कि ट्रायल रूम में भी इतना ही फ्री माहौल मिल जाए। तो फाइनली ज्योति अभी एक वन पीस ले ली है और बिलिंग में लगी हुई है, अभी वो लेकर आएगी और कल वो ऑफिस के फंक्शन में पहनने वाली है। वो भी अभी उस बहुत ज्योति इनसिक्योर फील कर रही थी ले कि नहीं ले, मतलब ड्रेस फिट है कि नहीं है, बट फाइनली उसको फिटिंग आ गया है। ये ज्योति बिलिंग करा के आ रही है, खुश हो गई अपना ड्रेस लेकर। ज्योति बहुत सोच समझ के ली ना डिसाइड करके। ग्रेट ग्रेट, बाय बाय। ओके बाय मम्मी, चलो
तो ज्योति को कर दिया हम लोगों ने बाय बाय और मैं और मम्मी चल दिए फिर से शॉपिंग के लिए। ज्योति का ऑफिस था तो ज्योति निकल गई अपने ऑफिस के टाइमिंग के लिए। तो मिस्टर DIY से मुझे पसंद आया ये मनी प्लांट, प्यारा सा, बट ये सेंटर टेबल के लिए मेरे परफेक्ट रहेगा। जहाँ पर मैंने अभी रखा है ट्रे जो रखा उस पर ये परफेक्ट जाएगा और थोड़ा नेचुरल भी दिख रहा है आर्टिफिशियल से। तो DIY बहुत परफेक्ट है सारे शॉपिंग के लिए, मतलब हर एक चीज़ बेसिक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर और ये फिनिक्स मॉल में है तो परफेक्ट जाता है। तो DIY से हम लोगों ने एक मनी प्लांट लिया, अब हम जा रहे हैं और कुछ एक्सप्लोर करने, बट उससे पहले दिखाते हैं जो फिनिक्स मॉल में सबसे सुंदर सा प्यारा सा एक उसका पहला झलक। ओ माई गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक फोटो शूट के लिए तो परफेक्ट लग। तो संदीप का अपना फ्रेंड्स मीटिंग ख़त्म हो चुका है, जिससे मिलना था मिल लिया और संदीप कर रहा अब हमारा वेट। तो मैं और मम्मी चल दिए अब वापस संदीप के पास। संदीप पहले गुरुद्वारा गया, वहाँ मत्था टेकेगा, उसके बाद हम लोगों को लेने आएगा, तो उसे 15 मिनट्स तो लगने वाला है। तो हमें भी लगता है कि हमें भी मॉल से निकलने में कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट तो लग ही जाएगा, तो उससे अच्छा है कि चलो वॉक करते करते जाते हैं, फिर जहाँ वो एक पार्किंग एरिया है संदीप बोला वहाँ आ जाओ, फिर मिलते हैं वहाँ पर। ऐसे मॉल में भी तो कुछ खाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला, टाइम बहुत कम था अपने पास, तो ज्योति की शॉपिंग में ही टाइम लग गया क्योंकि संदीप का मीटिंग जो था वो 2 घंटे का था। तो अभी यहाँ से जाते हैं फिर संदीप से मिलते हैं, संदीप को बोलते यार बाहर से ही कुछ खिला दो। और अगर आपको फ्री होकर शॉपिंग करना है ना तो मंडे से फ्राइडे आ जाओ, मॉर्निंग हो इवनिंग शॉपिंग करके जाओ मस्त एकदम, जो जो चेक करना है ट्रायल लेना कपड़े का, लो शॉर्ट नोटिस में कपड़े का ट्रायल लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हम लोग दिन में आए थे तो लाइटनिंग उतनी अच्छी नहीं थी तो बाहर से लुक पता नहीं चल रहा था, अभी इतना प्रॉपर लाइटनिंग हो गया तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं प्रॉपर फिनिक्स मॉल का लाइटनिंग, मतलब लाइट कैसा लग रहा है। संदीप ने बोला है कि फिनिक्स मॉल से बाहर आके लेफ्ट को भी साइड हो जाओ, तो संदीप ने बोला है फिनिक्स मॉल से बाहर होके लेफ्ट साइड आ जाओ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर लेफ्ट साइड में, वहाँ पर वेट करेंगे संदीप को और फिर चलते घर की ओर और कुछ देखते हैं खाने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग को संदीप लेने आ गया, ये रहा संदीप। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था बट अच्छा था कि जो सिग्नल से लेफ्ट जाने के लिए जो था रूट वो बिल्कुल अलग है, लेफ्ट लेने के लिए सिग्नल नहीं पार करना पड़ता है साइड से जाते जाओ, तो इसलिए जल्दी आ गया संदीप, नहीं तो पता चलता अपने को भी आधा घंटा लग जाता। और कुछ खिला रहे हो कि नहीं?